दोस्तों कल आईपीएल का 49वां मुकाबला खेला गया। ये मुकाबला दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मुकाबले में केकेआर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से मात दी। इस जीत की बात करें तो कोलकाता के प्ले ऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अभी भी बरकरार है। आज के केकेआर के लिए शुभमन गिल ने 57 रनों के साथ शानदार पारी खेली। इसके अलावा दिनेश कार्तिक ने नाबाद 18 रन बनाए। टीम को जीत तक पहुंचाने में इन दोनों खिलाड़ियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 115 रन बनाए। हैदराबाद की तरफ से विलियमसन 26, अब्दुल समद 25 और प्रेम गर्ल ने 21 रनों की पारी खेली। दोस्तों हम आपको बता दें कि इसके अलावा कोई अन्य बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छुपाया। केकेआर की तरफ से वरुण चक्रवर्ती, टीम साउथी और शिवम मावी ने 2-2 विकेट झटके। इसके अलावा साकिबुल हसन को भी एक सफलता मिली। केकेआर अब 13 में से 6 मुकाबले जीतकर 12 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में चौथे स्थान पर बनी हुई है। वहीं हैदराबाद की अगर बात करें तो पहले ही प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है और 12 में से 10 मुकाबले हार कर 4 अंकों के साथ आखिरी यानी कि 8वें स्थान पर मौजूद है। दोस्तों मैं बता दूं कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल 2021 के 49वें मुकाबले में 6 विकेट से हराया। इस जीत के साथ ही कोलकाता के प्ले ऑफ में पहुंचने की कुछ उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं। आज केकेआर के लिए शुभमन गिल ने 57 रनों की जो शानदार पारी खेली, कोलकाता इसी के बदौलत जीतने में सफल रही। इसके अलावा दिनेश कार्तिक ने भी 18 रन बनाए जिससे टीम को काफ़ी मजबूती प्रदान हुई। दोस्तों आप देख रहे थे आईपीएल में कल की अपडेट। ऐसी ही जानकारियों के लिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर लें ताकि आपको सारी जानकारियां मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।